चुप गांडा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शीतल है आंटी, और मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। शीतल कहाँ रहती हो बताओ मुझे? पुष्पा गार्डन के पास एक गर्ल्स हॉस्टल में। पास में ही है तारा मम्मी पापा? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ए, चिंता केम करे छी गांडी, मुँह छूने तारो। क्या मुलायम कंधा था उसका। मड़ी गई, जिग्नेश को जैसी लड़की चाहिए थी मिल गई। झोल करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, शीतल का कमरा कौन सा है? उधर। इसके दिल का दरवाजा खुलवाने के लिए पहले ये दरवाजा खुलवाना पड़ेगा। आप कौन? जिग्नेश, जिग्नेश मनसुखलाल गेल सपा फ्रॉम सीबीआई। मतलब पुलिस वाला? बाबा बाबा साईं बाबा हेल्प मी। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? छोकरी तो इनविटेशन आपे छे, दिखने में तो ठीक ठाक लगती हो, वैसे एवरेज हो, कुछ खास नहीं हो। मेरे साथ रहोगी तो स्मार्ट बना दूंगा तुम्हें। झोल करना कहाँ से सीखा? सर जबान संभाल के बात कीजिए। ये बता, कल 10:30 बजे कहाँ थी तू? सॉरी आप। मैं तो कॉलेज में थी, लेक्चर अटेंड कर रही थी। तू क्या झुमके के नीचे? ए, मेरे पास तुम्हारी एटीएम से पैसे चुराने की 120 पन्ने की कंप्लेंट आई है। 120 पन्ने की? आपके पास कोई सबूत है? क्या कहा, सबूत चाहिए? हाँ। देता हूँ। सीबीआई पे शक करती है? आजकल हमारा हर एटीएम के बाहर एक खबरी खड़ा रहता है। शिरडी वाले साईं बाबा प्लीज 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 हेल्प मी। सबूत चाहिए ना? खबरी को फोन लगाता हूँ। खबरी, क्या पैसे मिलेंगे कि नहीं? पैसे मिल जाएंगे, थोड़ा सबर खबरी भाई। जल्दी देना भाई, नया कच्चे लेने मेरे को। खबरी, एटीएम के बाहर से खड़े रहकर फोन से जो रिकॉर्ड किया था वो टेप कहाँ है? सेलो टेप की बात कर रहा है क्या? क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट को टेप चाहिए? नहीं खबरी, लड़की गिल्टी फील कर रही है, थोड़ा टाइम दो। लड़की से सच्चाई मैं उगलवाता हूँ, टेप भेजो। समझ गया, टेप पैदा करके भेजता हूँ। सबूत मांगा था ना, जज साहब खुद लेकर आ रहे हैं। सीबीआई तूफान से भी ज्यादा तेज होती है। सर कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर दीजिए ना सर। तुमने वहाँ एक गुज्जू भाई को लूटा था? मानती हूँ लूटा था। गुड, पर वो सारे पैसे मैंने वापस लौटा दिए थे। लेकिन सेम नोट वापस क्यों नहीं दिए? साईं बाबा सेम नोट देने थे। एक 500 की नोट फटी हुई थी उसमें। सर सोचे, वो 500 का नोट मैंने नहीं फाड़ा। इसका फैसला मैं करूंगा, साथ चलो वरना हथकड़ी डालकर गले में हाथ डालकर ले जाऊंगा। हथकड़ी पहना के? नहीं नहीं सर, यहाँ मेरी बहुत इज्जत है, शीतल बदनाम हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं हावड़ा ब्रिज से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। ठीक है, विदाउट हथकड़ी चलो। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए सर। व्हाट इज द मैटर सर? अगर यहाँ किसी ने पूछा कि आप कौन है तो मैं क्या कहूँ? कुछ भी बोल देना। मैं बोल दूंगी भाई है। भाई दूं क्या कान के नीचे? बहने बहुत है, बीवी की जरूरत है। एक काम करो, मेरी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे बॉयफ्रेंड बना लो। बॉयफ्रेंड? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा नहीं लगता मैं? अच्छे लगते हैं। अच्छी जबरदस्ती है। फोन पे एक पप्पी देना। चल रुक रुक। ए भिड़ू, कौन है ये? बोले तो मस्त लग रहा है। ये मेरे फ्रेंड है, मेरा मतलब है कि बॉयफ्रेंड है। चलो जानू। जो खुफिया कैमरा तुमको दिया था, जासूसी करने जाओ तो अपनी कमीज में लगा कर जाना, समझ गए? गुड मॉर्निंग सर। ये हाथ में क्या है? वॉकी टॉकी दिखाने के लिए ट्रांजिस्टर लाया हूँ। ध्यान से, गाना ना बज जाए। अच्छा ठीक है। बेवकूफ, कितनी बार कहे बड़ी गाड़ी लाया करो, सीबीआई का नाम खराब होता है। सॉरी सर, वो बड़ी गाड़ी का पीयूसी खत्म हो गया था। ऐसे क्या देख रही हो, सुबह सीबीआई का ऑफिस यही खोलते हैं। डंडेश्वर कोरबा लड़वा मारवा रे। अबे ये प्यून वाली सलामी क्यों दे रहा है, भांडा फूट जाएगा। तुम्हें एकला चलो रे। सबूत चाहिए था सर, एविडेंस। इसमें गोल्डमाइन का पिक्चर है। नो प्रॉब्लम, रास्ते के बीचों बीच काम नहीं होगा, बीच पर चलो। सर चला। हाँ जाती हूँ। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए सर? क्योंकि यहाँ मेरा दिमाग तेज चलता है। मतलब? मेरा मतलब हमारे जो बड़े साहब है ना, मिस्टर चंपक, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। अरे बापरे। इसीलिए आजकल जो भी खुफिया इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, वो बाहर ही हो रही है। और बीच पर भुट्टा खाते खाते इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ये जगह पसंद है तो मेरे घर चले। नहीं 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 सर, यहीं ठीक है। सरस अपने गैंग का नाम बताओ। कंप्यूटर साइंस। क्वालिफिकेशन नहीं जाननी है, चोरी अकेले करती हो या तुम्हारा कोई गैंग शैंग है? नो, मैं प्रोफेशनल चोर बिल्कुल नहीं हूँ सर। एक्चुअली व्हाट आई मीन टू से इज, पॉज पॉज, क्लेरिफिकेशन बाद में, चलकर पहले पानी पूरी खाते हैं। ओके सर। घर पे कौन कौन है? मेरे फादर मदर बचपन में ही गुजर गए सर, मैंने खुद ही अपने आप को पाल पोस कर बड़ी मेहनत से बड़ा किया है। क्या रे, गोल गोल घुमा रही है मुझे? घुमाऊंगी तो आपको चक्कर आएगा, ये सब सच है। मुझे किसी भी तरह इस केस से बाहर निकाल दीजिए, मैं दुआ करूंगी आपको अच्छी बीवी मिले। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे प्यार आ रहा है।
पहले मैं सोच रहा था तुम्हें दबा के 3rd degree दूं, लेकिन अब हौले हौले 30 दिन तक कंटिन्यूअसली तुम्हें मुझसे मिलना होगा। अरे बाप रे। अगर तुम्हारी बेगुनाही मेरे मन में बस गई तो तुम बच गई। जब जब हम आउटडोर जाएंगे तुम्हें रजिस्टर में साइन करना होगा। चल चले। ये किस लिए? फरार हो गई तो तुम्हारी वजह से ट्रांसफर होगा और पगार कट जाएगी। सुनो, मुझे धोखा बिल्कुल भी मत देना, मैं तुम्हारे भरोसे हूँ। रात को फोन करना। थैंक यू सर, मैं फोन करूंगी। एक मिनट। स्माइल। फोटो किस लिए? अगर धोखा देके भाग गई तो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप हर जगह तुम्हारा ये चेहरा वायरल कर दूंगा। बाबा बाबा साईं बाबा हेल्प मी। चलो अपना मोबाइल नंबर बताओ। 9247124058। मिस कॉल दे रहा हूँ, उठाना मत, नंबर स्टोर कर लो। कल नहा धोकर आना, आगे की कहानी यहीं से शुरू होगी। ओके सर, मेरी जिंदगी आपके हवाले है, आप ही मेरे भरोसे की किरण है। भरोसो नहीं तोड़ू। ओके सर, थैंक यू। साईं बाबा बचा लो। अब तो तुम मेरी जिंदगी बन गई हो, तुम्हें अपने दिल में बसा कर रखूंगा। मम्मी पापा दादा दादी चाचू बता लो गयो। की गंडगोल हो गया। अरे एमएलए बन गया, एमएलए बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो अपने राघव जैसा नहीं लग रहा। अरे राघव अंकल, इलेक्शन में जीतने का आपका अनुभव कैसा रहा? पॉलिटिक्स के जरिए ऊंचाई पर पहुंचने की जो मेरी ख्वाहिश थी, उस सीढ़ी के पहले पायदान पर मैंने कदम रख दिया। मुझे तो मिनिस्टर के लेवल तक जाना है। ऐसे तो अच्छा नहीं दिखता, पर टीवी पे अच्छा दिख रहा है। हाँ अच्छा दिख रहा है। आवाज ऊंची करो। मैंने बोला अच्छा दिख रहा है। तेरी नहीं, टीवी की आवाज ऊंची करो। राघव जी, अब तक आपने अपने सपनों के बारे में बताया, अपनी फैमिली के बारे में भी कुछ बताइए। अरे ये क्या, ये तो हमारे गेट जैसा है। हमारे गेट की नहीं, पूरे बंगले की कॉपी की है। कॉपी नहीं, अपना ही घर है। ये क्या तू लगन करके आ गया? टीवी एंकर छे। जय श्री कृष्ण। आप मेरे परिवार के बारे में पूछ रही थी ना? हाँ। यही है मेरा परिवार। ये मेरे माता पिता और ये मेरे भैया और ये मेरी भाभियाँ और ये इनके बच्चे। हाय बोलो। हाय। मैं बचपन से अनाथ हूँ, लेकिन ये फैमिली जिसकी वजह से मुझे मिली और मैं एमएलए बना, उसके पीछे है जिग्नेश, मेरा जिगरी, एवरीथिंग टू मी। अरे बताने देना, मेरी जान है ये। तुम्हारे लिस्ट में मैं नहीं हूँ क्या? तू? अरे तू क्यों नहीं है? ये है दंडेश्वर, एक चलता फिरता कार्टून चैनल। या हूँ, आमे खावे चाय एक दो। एमएलए बन गया, बिरयानी खिलाना यार। ए, अरे एमएलए है, पेटी में कमा रहा होगा। मिनिस्टर बनेगा तो खोखे में कमाएगा। उस दिन दो दो पार्टियां एक साथ ले लेंगे। बिरयानी खिला दे यार। अरे क्या भूखड़ है रे मेरी जान। अरे दूंगा ना पार्टी। सर मैं कल वाली जगह पहुंच गई। कानून के हाथ और पैर दोनों लंबे होते हैं। आउच हूं। मेरे को दोस्त की मुर्गी भाग गई, उसे पकड़ने जा रहा हूँ, तब तक ये तुझे बोल करेगा। ये क्या यार, मैं तेरे लिए हैदराबाद से वाइजा गया और तू मुझे छोड़ के जा रहा है। उसका मुर्गा तड़प रहा है। लेकिन सुन तो, अरे तू कहाँ जा रहा है? पेट्रोलिंग के लिए। क्या मतलब तेरा? मतलब गाड़ी में पेट्रोल भरवाने। अबे रुक तो यार, उस कुत्ते की हेल्प करके हम लोग फंस गए। गुड इवनिंग सर। ये क्या, अपने साथ अपनी बॉडीगार्ड लाई हो? कौन है ये लड़की? मेरी फ्रेंड है, मेरे साथ ही रहती है। मुझे चुना लगा रही हो तुम? हिंदुस्तानी हो और अफ्रीकन है? सीबीआई को झांसा, इसका भी एग्जामिनेशन होगा। ओके ऑफिसर, आप घबराइए मत, इसकी तफ्तीश मैं करता हूँ। ए चल इधर। कहाँ जाना है? इंटरोगेशन। क्यों, यहाँ नहीं हो सकता? एक पेड़ के नीचे दो मुजरिमों का नहीं हो सकता, इसलिए ऑफिसर मैंने कहा था तफ्तीश थाने में करते हैं। अब देखिए यहाँ सस्पेक्ट को शंका हो रही है। नहीं नहीं नहीं, कोई शंका नहीं है। अपनी फ्रेंड को मेरे साथ भेज दो ना प्लीज। ठीक है, चला जा। पता नहीं कुछ लड़कियां जॉगिंग करती है लेकिन वजन घटता नहीं है, बढ़ता ही जाता है। उनको लगता है कि 5 किलो खाने से और 15 मिनट जॉगिंग करने से वो सुकड़ी बोमिल हो जाएंगी। हे, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, डबल एक्सेल वालों की बात कर रहा था। लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए कि सामने वाले की आंखें खुली की खुली रह जाए। वैसे तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, इंडियन ड्रेस में कामाक्षी लग रही हो। तुम्हारी स्माइल चमकदार है, बैक से भी A1। पर कोई तो चीज तुम्हारी खूबसूरती में ब्रेक लगा रही है। हाँ, जुल्फे, इन्हें अपने बंधन से मुक्त कर दो, खोल दो इन्हें। हाँ, खोल दो, खोल दो। हवे लागे छे ने नवसारी नी छोरी। अगर हवा नॉर्थ से चले और तुम्हारी जुल्फे साउथ में उड़े तो वेस्ट से पकड़कर जुल्फे ईस्ट में ले जाओ। हाँ ये हुई ना लड़कियों वाली बात, सामने वाला जुल्फों में अटक कर लड़खड़ा जाएगा। सर इंट्रोगेशन के नाम पर आप तो फ्लर्ट कर रहे हैं। चालू चीज है, ऊपर से ऑर्डर है कि नीचे तक पूछताछ करो। कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? BSc कंप्यूटर साइंस। आगे क्या करोगी? अभी तक सोचा नहीं। MSc में इंटरेस्ट नहीं है? तुम्हारे सपने क्या है? ज्यादा बड़े नहीं है, बस जॉब करके सेटल हो जाना चाहती हूँ। जॉब करोगी, ट्रेन और बस के धक्के खाओगी, उससे अच्छा शादी करके सेटल हो जाओ ना। सेटल होने के बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं। आजकल लड़कियाँ 30 से पहले सोचती नहीं है। 25 से पहले कर डालो ना।
करनी तो है पर अच्छे लड़के हैं कैसा लड़का चाहिए मतलब मेरी तरह अच्छे लड़के हैं नहीं ना और आजकल इतनी ऑनलाइन डेटिंग साइट्स है ना कि हिंदुस्तानी लड़कियां आबाद होने की बजाय बर्बाद हो रही हैं सर हर लड़की एक जैसी नहीं होती मेरा अच्छा? मतलब मैं अनाथ हूँ मुझसे कौन शादी करेगा अरे क्या बात कर रही हो तुम लड़कों की लाइन लग जाएगी और लाइन में सबसे आगे मैं रहूंगा सर आप साइन ले लीजिए ना मुझे जरूरी काम से जाना है मैं भूल गया था मैं सीबीआई हूँ लो करो सर ये आप क्या कर रहे हैं सर यहाँ पे करो ना साइन कहाँ पर यहाँ पर रजिस्टर लाना भूल गया हो ना जेरोक्स मशीन पर लेकर प्रिंट निकाल कर रजिस्टर पर चिपका दूंगा करना है नहीं करोगी ठीक है पुलिस स्टेशन चलकर करो पुलिस स्टेशन नहीं सर तो करो रुको करके नहीं थोड़ा मुस्कुरा के सच्चे मन से प्यार से करो ना चलो स्माइल करो और थोड़ा ज्यादा हाँ अब ठीक है छापो कर दिया अब मैं जा सकती हूँ जाना जरूरी है ठीक है जाओ सुनो हाँ? कल भी यहीं पर सेम प्लेस ओके ओके हाँ मैं आ जाऊंगी अरे बाप रे अब और नहीं चल पाऊंगा छानबीन शुरू करूं क्या ओके अपन तैयार है एक मिनट रुक तू देख अपन उसको कैसे फोड़ती है रुक तेरी दुकान फोड़ती मैं क्या देख रहे ला भिड़ू शुरू करे क्या अक्का तुम्हारा नाम क्या है श्रीदेवी फूलन देवी रखना चाहिए था कोई इंटरोगेशन करता ही नहीं तुम पे शक रहा ही नहीं मुझे तुम जाओ पता नहीं क्यों अपुन को वो सीबीआई वाला झोलर लगता है तुझे तो सभी झोलर लगते हैं हमने जो किया वो गलत ही था ना पर इतना टेंशन नहीं लेने का सिर्फ एक महीने की बात है उसके बाद देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा ये टेंशन लेना छोड़ और सो जा बापू टाइम मिले तो खा लेना